अपने हाथों को उठाओ सभी जन और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो आज के दिन के लिए, नई शुरुआत के लिए, नई सांसों के लिए। बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस नए जीवन के लिए, नई सांसों के लिए और नई शुरुआत के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आज आप अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम देखोगे परमेश्वर के, बड़े बड़े चमत्कार देखोगे यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा पिता और कोई नहीं पिता परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ, मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ परमेश्वर पिता। तू धन्य परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है। तूने हमें बचा कर रखा, तूने संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु पिता, आज के दिन के लिए तेरे नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। आज की सुंदर सुबह के लिए तेरे नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। खुदावन तू महान परमेश्वर है, तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है पिता, और कभी ना हमें छोड़ने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की तालियों के साथ, उसके नाम को महिमा देते हुए सभी जन तारीफ करो परमेश्वर की। आज आपकी जिंदगी में आशीष आने वाली है, आज आपकी जिंदगी में चंगियाई आने वाली है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाते हुए कहो परमेश्वर से, परमेश्वर आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है पिता परमेश्वर, आज मेरे छुटकारे का दिन है। बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। अंगीकार करो सब जन इस वचन का, मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ दुख आपका हिस्सा नहीं है। मैं दुख को आपसे अलग करता हूँ, मैं बीमारियों को आपसे अलग करता हूँ। बोलो मैं बीमारी को अपने आप से अलग करता हूँ, मैं बीमारियों का इनकार करता हूँ, मैं दुखों का इनकार करता हूँ, क्योंकि ये मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो दुख मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मसीह में आ चुके हैं वो नए हो चुके हैं, और उनके लिए पुरानी बातें बीत चुकी हैं। बोलो दुख बीत चुके हैं, बीमारियां बीत चुकी हैं। बोलो चंगियाई मेरा हिस्सा है, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से, बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो शांति मेरा हिस्सा है, क्योंकि यीशु ने मेरी शांति के लिए ताड़ना सही। अपने हाथों को उठाकर इन वचनों का अंगीकार करो। आज आपकी जिंदगियां बदलने वाली हैं, आज आपके हालात बदलने वाले हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। करो प्रार्थना सबजन, उसके वचनों के साथ प्रार्थना करो सबजन। वो अपने वचनों का कभी इनकार नहीं करता। बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। बोलो आज मेरी शर्मिंदगी का आज आखिरी दिन है, आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है, आज मेरे दुखों का आखिरी दिन है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। सभी जन अपने हाथों को उठाते हुए बोलें परमेश्वर से, सभी जन अपने हाथों को उठाओ और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी जिंदगी में आज बड़ी आशीषें आएंगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आज आपकी जिंदगियां बदलेंगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। शैतान की योजनाएं आपकी जिंदगी से कैंसल हो, मैं शैतानी योजनाओं को बांधता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, और आपकी जिंदगियों से कैंसल करता हूँ। मैं आशीष के रास्तों को खोलता हूँ आपके लिए, आपके सारे आशीष के रास्ते खुल जाएं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, बंद रास्ते खुल जाएं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे, और कहो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा
मुझसे बात कर, और तेरे वचन में लिखा कि तू अपना वचन भेजकर हमसे बात करता है और हमें आने वाली तबाही से बचाता है। कहो परमेश्वर, आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर और मेरी जिंदगी को बदल। सब जन प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के। कहो परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा मुझे छुड़ा और मुझसे बात कर, और आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। करो प्रार्थना सभी जन अपने हाथों को उठाते हुए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, परमेश्वर आपके बच्चों को बदलने वाला है। जब आप इस प्रार्थना को करोगे और परमेश्वर से कहोगे कि परमेश्वर, मैं अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ तुझे देता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, असंभव काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में संभव करेगा। जो काम आपने कभी सोचे नहीं होंगे वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। आपके सभी बंद रास्ते खुलेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आपके केस हल होंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आपके बच्चे वापस आएंगे, खोई हुई चीजें वापस आएंगी प्रभु यीशु के नाम में। जो आपका खो चुका है, जो शैतान ने आपसे छीना है, वो 2 गुना वापस आएगा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। रिसीव करो सभी जन अपने हाथों को उठाकर। जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें और प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं तेरे कूड़े खाने से, मैं तेरे मार खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं तेरे कूड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ पिता परमेश्वर। बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें बीमारी का कोई वास नहीं होगा आज से, और मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। मैं बीमारी को आज्ञा देता हूँ, मैं हुक्म देता हूँ बीमारी को कि मेरे शरीर को छोड़कर चली जा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। चली जा, चली जा। अपने हाथों को उठाते हुए डांटो बीमारियों को, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ मेरे शरीर को छोड़ और चली जा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। डांटो डांटो बीमारियों को, आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि शैतान का सामना कर और शैतान भागेगा। बीमारियां भागेंगी, दुष्ट आत्माएं भागेंगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आपके मुंह में ताकत है, डांटो बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को, गरीबी के बंधनों को, लाचारी के बंधनों को। बोलो हर दुष्ट आत्मा, मेरे घर से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों से, मेरे बिजनेस से, चली जा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, और शैतान के सभी बंधन नष्ट हो जाएं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, हर बीमारी आपके शरीर को छोड़े और जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हर गरीबी का बंधन आपके घर को छोड़े और जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपके बंद रास्ते खोले प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ सभी जन प्रार्थना करो और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर तू मेरे सभी हालातों को जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है पिता परमेश्वर, तूने मेरी शर्मिंदगी क्रूस पे ले ली पिता परमेश्वर, तूने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए पिता परमेश्वर, तूने मेरी शांति के लिए ताड़ना सही पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि सभी शैतान के बंधन मेरे घर से टूट चुके हैं, मेरे शरीर से टूट चुके हैं, मेरे बिजनेस से टूट चुके हैं पिता परमेश्वर। आज से मैं चमकने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर, आज से मेरी शर्मिंदगी खत्म हो चुकी है, मेरी लाचारी, मेरी बीमारी दूर हो चुकी है पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है पिता परमेश्वर। सभी जन अपने हाथों को उठाते हुए कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर,
हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता।